भगवान उनको वही देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। वो स्त्रियां भी बुरी होती हैं, पुरुष भी बुरे होते, पर सब न बुरे होते न सब अच्छे होते। उसे भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि में जाना ही पड़ता है। हनुमान चालीसा में भी इसका प्रमाण है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को भूत प्रेत की व्याधा न सताए, भूत प्रेत उतरवाना बहुत आसान नहीं है आज के युग में। उस घर में भूत प्रेतों की आने की हिम्मत हो ही नहीं सकती। उस घर में उनको आने के लिए इजी रास्ता मिलता है। हर रिश्ते के साथ गंदगी दिखाई जा रही है। जो वह पाना चाहते हैं, मांगते हैं भगवान से, भगवान उनको वही देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, कोई भी संशय नहीं। भागवत कथा मनुष्य को भाव से श्रद्धा से सुननी चाहिए। कल आप लोगों ने श्रवण किया धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, क्योंकि बुरी स्त्रियों का संग वो कर रहा था। ध्यान रखें, वो स्त्रियां भी बुरी होती हैं, पुरुष भी बुरे होते, पर सब न बुरे होते न सब अच्छे होते। जिसका कर्म गलत है वो अच्छा बुरा होता है, जिसका कर्म अच्छा है वो अच्छा है, जिसका कर्म बुरा है वो बुरा है। शरीर चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उन स्त्रियों ने ही धुंधकारी को मार दिया था। मरने के बाद, जैसे हमने बताया, एक्सीडेंट से अगर कोई मर जाए तो अकाल मृत्यु मानी गई है। आग से जलकर कोई मर जाए तो वह अकाल मृत्यु मानी गई है। जल में डूब कर अगर कोई मर जाए तो वह अकाल मृत्यु मानी गई है। जहर खाकर कोई मरे तो यह अकाल मृत्यु मानी गई है। और जो मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि में जाना ही पड़ता है। कई बार हमने भी सुना है और आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं ये कोई भूत प्रेत व्याधा नहीं होती, ये तो सब वो है, क्या बोलते उसको, नहीं ढकोसला नहीं, आजकल एक और शब्द अंधविश्वास। क्या है? शास्त्रों में तो इसका प्रमाण है, चाहे शिव पुराण हो चाहे भागवत महापुराण हो। इवन आप और हम हनुमान चालीसा नित्य पाठ करते हैं। हम और आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं कि नहीं? घरों में तो करते हैं। हनुमान चालीसा में भी इसका प्रमाण है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट। अगर आप अपने बच्चों से, ध्यान से सुनिए, एक मंत्र और बता देते हैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को भूत प्रेत की व्याधा न सताए, तो अपने हर बच्चे से हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। और झूठे मुंह तुम्हारे बच्चे कभी भी घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। आजकल इस बात का ध्यान नहीं रखते लोग। अरे क्या ध्यान रखेंगे, बाजार में जाके मुंह झूठा करके आते हैं, वहीं खा पी के आते, मुंह भी कुल्ला करके भी नहीं आते। आप अपने जीवन में विघ्न नहीं चाहते तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। मीठा खा के कभी नहीं घर से बाहर जाना चाहिए, कुल्ला करो। बाजार में भी कुछ खा लो तो कुल्ला करो, फिर वहां से आगे जाओ। ये बहुत पॉइंट नोट करने वाले हैं। और एक और बात बता दें, भूत प्रेत उतरवाना बहुत आसान नहीं है आज के युग में। एक उतरता है, दूसरा चढ़ जाता है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है हनुमान चालीसा का ज्यादा से ज्यादा पाठ करें, खुद भी करें और बच्चों से भी पाठ कराएं। जिस घर में भगवान की कथा सुनी जाती है, जिस घर में भगवान की पूजा होती है, जिस घर में भगवान का याद किया जाता है भगवान को, उस घर में भूत प्रेतों की आने की हिम्मत हो ही नहीं सकती।
ये किन घरों में आते हैं? जहाँ व्यभिचार होता है, जहाँ मदिरालय होती है, जहाँ मांस खाए जाते हैं, जहाँ बुरा खान है, बुरा पहन है, बुरा आचरण है, गंध से भरा हुआ घर है, उस घर में उनको आने के लिए इजी रास्ता मिलता है। और एक बात सुन लीजिए, जीवन पूरा न समाप्त करे उससे पहले किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे भूत प्रेत पिशाच की योनि में जाना ही पड़ता। धुंधकारी की आयु अभी समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन उन स्त्रियों ने जलती हुई अग्नि लेकर उसे मार दिया था तो उसके प्राण निकल गए थे, तो उसे मरने के बाद प्रेत बनना पड़ा। शिव पुराण में भी चंचुला के पति को पिशाच बनना पड़ा, शिव पुराण की कथा में आता है, मात में आता है। तो अगर कोई ये कहे कि ये सब अंधविश्वास है तो उन लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, अज्ञानता है उनकी, जो भी इसे अंधविश्वास कहते हैं। आप अपने आप को सावधान रखिए, अपने आप को गंदगी से दूर रखिए। और मुझे लगता है आजकल सबसे बड़ी गंदगी तो मोबाइल है। मैं पत्रकार बंधुओं का ध्यान चाहूंगा, राहुल जी आपका भी ध्यान चाहूंगा, आपकी सरकार का ध्यान चाहूंगा, जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हैं, हमारी सनातन परंपरा में हमारे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, रिश्तों की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जबरदस्त है मर्यादा। हमारे यहाँ सिर्फ माँ बाप का आदर नहीं होता, हमारे यहाँ दादी दादा का आदर होता है, हमारे यहाँ नानी नाना का आदर होता है, हमारे यहाँ मामा का आदर होता है, माई का आदर होता है, हमारे यहाँ बड़े सुंदर आदर होते हैं, चाचा का, चाची का, ताऊ का, ताया का। अब अंग्रेजी में तो सब अंकल और आंटी हैं, क्या है जोर से बोलो, अंकल और आंटी। हमारे यहां कहते हैं बुआ का लड़का है, हमारे यहां कहते हैं मामा का लड़का है, हमारे यहां कहते हैं चाचा का लड़का है। अंग्रेजी में एक ही शब्द है, ये कजन है। अब किसका कजन है, कैसा कजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजी में एक बट्टे एक ही है, सब अंकल आंटी और सब कजन। लेकिन हमारे यहां एक एक रिश्ते का अलग अलग मर्यादा है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार बड़ी धार्मिक सरकार है, यहां शिव की बड़ी कृपा है, बाबा भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, महाकाल वास करते हैं यहां, शिव की बड़ी कृपा है। और आपके मध्य प्रदेश में तो शिव का ही राज्य है। नहीं, दोनों तरीके से शिव का राज्य है, एक तो महादेव यहां विराजमान है महाकाल के रूप में, और भी राम भगवान श्री राम यहां आए, और शिवराज सिंह चौहान आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो दोनों ही प्रकार से लौकिक और वैदिक दोनों ही जगह शिव राज्य है। तो महाकाल से भी प्रार्थना करते हैं और इन आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करते हैं। सोशल साइट्स पे आजकल एक बहुत बड़ा आक्रमण, बहुत बड़ा आक्रमण हमारे रिश्तों पे हो रहा है। आप मुझे, मेरे पत्रकार बंधुओं ने ही बताया कि आप इस पे बोला करिए, तो मैं बोल रहा हूं। वेब सीरीज हर रिश्ते के साथ गंदगी दिखाई जा रही है, जो पत्रकार बंधु ने हमको बताया, हर एक रिश्ते में गंदगी है, चाहे कजन सिस्टर एंड ब्रदर्स हो, चाहे बहू हो, ससुर हो, आदि आदि जो रिश्ते में, जो हमारे यहां आदर की दृष्टि से देखे जाने वाले हैं, उन सभी रिश्तों में गंदगी दिखाई जा रही वेब सीरीज के माध्यम से। मैं पत्रकार बंधुओं से भी एक आग्रह करता हूं, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। आप समाज के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, पूरी जोर से इसका विरोध कीजिए। जब व्यासपीठ इसके अगेंस्ट आवाज उठा सकती है तो समाज के हर एक व्यक्ति को इसकी आवाज उठानी चाहिए। अगर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो ये रिश्तों को खा जाएगी वेब सीरीज, बर्बाद कर देगी, और स्त्री को सिर्फ भोग पदार्थ साबित कर देंगी ये वेब सीरीज।
जिसकी शक्ति का पूजन हम अभी 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 किया है, अभी नव दुर्गा गए हैं, हमने देवियों का पूजन किया, कन्याओं का पूजन किया, और वेब सीरीज ये निकम्मे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आदि लोग कैसी कैसी घटिया मूवी बना बना कर डाल रहे हैं, जिससे हमारे सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ, महाकाल से प्रार्थना करता हूँ, शिवराज जी से भी इस बात का आग्रह करता हूँ कि अपने प्रदेश में तो कम से कम ऐसी सीरीज पे टोटल बैन लगा देना चाहिए। और आप पत्रकार बंधु, आप सब समाज के गणमान्य लोग यहां उपस्थित हैं, मेरी आवाज जिस जिस प्रदेश में जा रही है, चाहे हमारे प्रदेश के योगी जी सुन ले, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री सुन ले, और हम तो कहते कोई भी सुने, जिसके अंडर आता है वो इस वेब सीरीज को तुरंत बंद कराए। ये भारतीय संस्कृति के हित में नहीं है, अनहित है इससे। कौन कौन मेरी बात से एग्री है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। हमको लगता है शिवराज जी शिव भक्त हैं, बहुत अतिशीघ्र इस पे कदम उठाएंगे, ये हमको आशा है। वाकई बहुत बड़े भक्त हैं, आप देखते हो वो कथा में जाके कितना सुंदर भजन गाते हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर योजना भी चला रखी है, लाडली योजना। सुना आप राहुल जी बता रहे थे हमको, लाडली योजना सरकार की बहुत अच्छी योजना, लाडली योजना, लाडली का सम्मान तब बचे जब ऐसी निकम्मी वेब सीरीज बंद हो जाएंगी, तो हमारी लाडली भी सम्मानित हो जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद है मध्य प्रदेश की सरकार को, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर योजनाएं चला रखी हैं बहन बेटियों के लिए।